दिव्या जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेशरम बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है बेशरम देव का। एंड हमने देखा आई थिंक कुछ 5-6 आर हुए हैं एंड कुछ उतने ही मिलियन भी क्रॉस कर चुके, कुछ 5 या 6 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। सो जी 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 कैसी फीलिंग होती है कि आपके फैंस कल से ही बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब आपने ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो 6 मिलियन हो गए उतने ही घंटे अभी हुए हैं। सो क्या फीलिंग करती हैं जब आपके कोई भी गाने आते हैं इतने मिलियन व्यू आते हैं? जी, मैं जब करती हूँ गाना तो बिल्कुल सोचती नहीं हूँ कि इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, बस उसमें जी जान और कड़ी मेहनत डालती हूँ। जो भी मैं काम करूँ उसमें एकदम पूरा अपना हार्ट एंड सोल डाल देती हूँ, और बाकी तो सब यू नो गॉड के हाथों में है और ऑडियंस के हाथों में है। मैं सिर्फ खुश हूँ कि ऑडियंस मेरे काम के साथ कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि मैंने जब याद किया कि आने लगी किया तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज एक्टर कि ऑडियंस मेरे काम के साथ कनेक्ट हो, मेरे साथ कनेक्ट हो, एंड दे रियली कनेक्टेड विद मी। बहुत सारी टीनेज लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे लिए इतने सारे फैन हैंडल्स खोले हुए हैं, और वो बेचारी इतना लगी रहती है जी जान से एडिट बनाने और इतनी मेहनत करके करने से। आई एम थैंकफुल टू देम फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और इतना जो प्यार वो भेजते हैं। मेरे लिए एज एक्टर सिर्फ यही होता है कि मैं अपने काम के प्रति टोटली सिंसियर रहूँ और बहुत ही डेडिकेशन से करूँ। इनफैक्ट जब मैंने बेशरम बेवफा किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसमें कैसे वो सितारा जो याद पिया में थी वो ना दिखे, उसकी 1% झलक भी ना दिखे, या फिर जो लड़की तेरी आंखों में थी वो लड़की ना दिखे, इस यही लड़की दिखे, यही कैरेक्टर दिखे जो कि बेशरम बेवफा में है। सो आई लीव असाइड माई ओन सेल्फ, मी एज अ पर्सन, मैं खुद को अपनी आप को दिव्या को हटा के बाकी जो भी किरदार मैंने निभाया उनको हटा के मैं वही किरदार की बनने की कोशिश करती हूँ और उसको जीने की कोशिश करती हूँ, और जैसी जो मेरे डायरेक्टर्स का विजन होता है और जैसी परफॉर्मेंस वो चाहते हैं कि मैं दूं तो उनके वर्ल्ड में मैं एंटर करके आई ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम। या सो जब यादपिया की आने लगी आया था तो यादपिया की आने लगी के लिरिक्स जानी ने लिखे थे, और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जानी की, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग करते हैं। तो जानी और मैं दिसंबर से, ये लास्ट ईयर दिसंबर में हमने बात की थी कि हम साथ में कोलैबोरेट करके गाना करते हैं, तो तब से ये बात चल रही है। एंड फाइनली जुलाई तक आते आते गाना रेडी हुआ, बहुत मेहनत गई गाने के पीछे। एंड बीप्राक गाना गाने गाने चाहिए, तो आई ओनली टोल्ड जानी की यू नो वी शुड गेट बीप्राक ऑन बोर्ड फॉर दिस सॉन्ग बिकॉज ही वुड डू टू मच जस्टिस टू दिस सॉन्ग, बिकॉज जैसा सॉन्ग है मतलब वो एक अलग चार चांद लगा देंगे, और जानी और बीप्राक दोनों बहुत सुपर टैलेंटेड है, एंड दैट्स हाउ द होल कोलैबोरेशन हैपेंड। या सुपर बिजी लग रही हैं आप, एयरपोर्ट पे बहुत स्पॉट करी जा रही हैं, सेप्टेंबर में टू चालू हो गया है, अलग अलग मूड, जैसे आपने कहा कि आप कुछ भी कोशिश करती हैं कुछ भी रिपीट ना हो मुझसे। सीता रमेश्वरी कितनी अलग होगी? नहीं, सीता रमेश्वरी नहीं, विद्या नाम है कैरेक्टर का, पता नहीं विकिपीडिया पे बहुत मेंशन रॉन्ग, विकिपीडिया को कभी ट्रस्ट मत कीजिए, सेट ऑन रिकॉर्ड्स, नेवर ट्रस्ट विकिपीडिया, कोई भी आगे कुछ भी चेंज कर देता है यार। विद्या विद्या नो रमेश्वरी जिस विद्या विद्या या सो आई थिंक विद्या जो है मिलाप जवेरी की विजुअलाइजेशन है ये कैरेक्टर विद्या, एंड उनका जो मेरे को ब्रीफ था वो ये था कि ही वॉन्टेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन जो कि बहुत ही एलिगेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो, सॉफ्ट हो, बट एक भारतीय नारी हो, और वो किरदार मैंने पोर्ट्रे किया है। सो मिलाप इज़ वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, एंड अभी भी शूटिंग चल रही है, मैं 3 दिन के लिए बॉम्बे आई हूँ, अभी कल ही मैं लखनऊ से वापस आई हूँ, सो वापस आई एम गोइंग बैक ऑन द 2nd, सो जनवरी तक शूटिंग चलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते 2। जॉन इज सच अ गुड को स्टार, आई शेयर अ वेरी हैप्पी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद हिम, एंड ही इज रियली गिविंग एज अ को स्टार, एंड बहुत अच्छी हमारी केमिस्ट्री भी आ रही है पिक्चर में, सो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते 2। कुछ रेफरेंस लिए जब हम स्ट्रॉन्ग वुमन की बात करते हैं, आप खुद बहुत कामयाब शख्सियत हैं अपने आप में, जितना भी आप चाहे वो मेरा म्यूजिक के फील्ड में हो या एक्टिंग के फील्ड में, और आपने वापसी की, आप वापस फ्लोर पे आ गए हैं, शूट कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग वुमन, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रॉन्ग वुमन? दिस इज वन क्वेश्चन। अदर वन इज, हुम डू यू सी द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन फ्रॉम द इंडस्ट्री? आई थिंक स्ट्रॉन्ग वुमन आई वुड से आई वुड मैं अपनी मदर से प्रेरणा लेती हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं रियल लाइफ में जितनी मेरी माँ स्ट्रॉन्ग है। आई हैव सीन हर डील विद सो मेनी थिंग्स, विद हेल्थ एंड विद सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ, सो स्ट्रांगली एंड येट रिमेनिंग सो स्ट्रॉन्ग। इंडस्ट्री में भी आई थिंक बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, जैसे रेखा जी इतने स्ट्रॉन्ग है, यू नो उन पर इतने ज़्यादा लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था उनके बारे में 90s में, बट स्टिल शी वो सो स्ट्रॉन्ग, एंड शी वो
टेलिंग मी कि आज मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, बट पिछले 20 सालों से मैंने काम ही नहीं किया. जब मैंने काम ही नहीं किया तो सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है, और जब मैं काम कर रही थी तो लोग इतना कुछ कहते थे. तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बिकॉज अगर इस फील्ड में काम करना है तो आपको इंटरनल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, और उनको कैसे ना सुनी करके आप सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में सिक्योर रहें और अपने पाथ में आगे बढ़ते जाएं. जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्ट्रांग, उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रिटेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग, वो भी शायद बेचारे अच्छा ही करते रहोंगे, क्योंकि वो शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड करते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो. और अगर नहीं है तो किसी तरह स्ट्रॉन्ग बने, प्रेरणा लीजिए उन लोगों से जो स्ट्रॉन्ग है, और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाने और उसे उस पर वर्क कीजिए, उभारे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम जैसे, उसमें स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है. क्योंकि उसे पूरी चीजें रिवील हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने थोड़ी बहुत रेफरेंसिंग की अपने कैरेक्टर के लिए, डेफिनेटली विद्या के लिए. अच्छा, जैसा कि बात ही हुई सत्यमेव जयते टू की, अभी जो हाल ही में पिक्चर्स आई थी आपके बर्थडे पर, केक, मतलब प्रॉपर आप दुल्हन लग रही थी, तो हम ऐसा माने कि कुछ इस तरह से आपका कैरेक्टर होने वाला, लाइक जी उस टाइम हम सॉन्ग की शूटिंग कर रहे थे, और इनफैक्ट मेरा बर्थडे 12 बज गए, और मिलाप और जॉन मेरे पीछे पड़ गए केक केक केक, और मैंने कहा कि जॉन आई कांट डू इट, कट द केक और फोटोज नहीं मैं खिंचवा सकती, बिकॉज अभी मैं अपने लुक में हूँ, सारी लुक बाहर हो जाएगी, मैं चेंज कर लेती हूँ फिर कर लेते हैं. सो ही वॉज लाइक कि नो नो ऐसा ही कर लो, इट्स नो प्रॉब्लम, वी आर ओके विद इट. सो आई थॉट ठीक है, माय हीरो इज ओके, माय डायरेक्टर इज ओके, देन फाइन, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा लुक आउट शायद नहीं होनी चाहिए, बट दे वर फाइन विद इट, सो वी वेंट अहेड विद इट, और लुक बाहर आ गई. सो चलिए, बेशरम बेवफा की अगर हम बात करें, अब जितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है उतनी ही ब्यूटीफुल कास्ट भी है, आप हैं, गौतम गुलाटी हैं, सिद्धार्थ हैं, और अब कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का इन सभी कास्ट के साथ में, क्योंकि इनकी भी टीवी में बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है. जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सेट पे एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल था, एंड जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सबकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंसेज है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद देम. एंड बेसिकली मैंने तो अपना अपने जो डायरेक्टर राधिका राव एंड विनय सप्रू, उनका जो विजन है वो फॉलो किया, और बस या जैसा कि वीडियो में ही मैसेज है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा. जी, क्या आप मेरे को ना बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि जो मैसेज वीडियो में दिया गया है वो मैसेज सब तक पहुंच रहा है. मुझे बहुत सब सुबह से कह रहे हैं कि ये मैसेज है वीडियो में, कि यू नो कि आपको, आई थिंक डेफिनेटली एक मैसेज है प्यार में. कितनी बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार जैसे आपका हार्ट ब्रेक होता है, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो में ये दिखाया गया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कई बार यू नो आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है, प्यार में ही नहीं बट अदर फील्ड्स में भी, आपके करियर से रिलेटेड या कोई और इशू से रिलेटेड, जब आप आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपके खुद के लिए करेक्ट नहीं होती, उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद अपने आप को संभालें और आप खुद अपने एंजल बने. हर बार नहीं होगा कि कोई आपको आएगा संभालने, जैसे इस वीडियो में तो सिद्धार्थ आता है और वो ही प्रूव वो मुझे संभालता है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा. और हम सब आजकल कलयुग में जी रहे हैं, एनवायरमेंट इतना नेगेटिव है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद अपने एंजल्स बने और खुद अपने आप को संभालें, और क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है उसको पहचाने, और वैसे बिहेव ना करें जैसे ये लड़की करती है वीडियो में. क्योंकि जैसा कि बात हुई, बहुत ही बैक टू बैक आप अपने आप को बिजी रख रही हैं, एंड हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक आपके ढेरों सारे सिंगल आ रहे हैं. पहले हमने देखा तेरी आंखों में, नाउ याद किया कि आने लगी, उससे पहले नाउ और बेशरम. तो आप हम ऐसा माने क्योंकि अब सिंगल का दौर है, इसलिए ढेरों सारे सिंगल नहीं, मैं तो सिर्फ अभी शायद याद प्यार पार्ट टू करूंगी, क्योंकि सब लोग मुझे इतना एक साल से पीछे पड़े याद प्यार पार्ट टू. बट अदरवाइज यू नो जब भी मुझे कोई अप्रोच करता है और मुझे सही लगता है तो मैं वो करती हूँ. जैसे राधिका विनय जी ने ही मुझे इसके लिए जैसे जानी और मेरी बात हुई तो हमारी कोलैबोरेशन हो गई और फिर द होल प्रोसेस स्टार्टेड मूविंग अहेड. बट ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया है कि सिंगल्स करूंगी, ऐसे कुछ करूंगी, मैं ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं करती. जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज करेक्ट फॉर मी, तो आई वुड लाइक टू डू इट. और ये एक पंजाबी गाना है, मैं खुद पंजाबी हूँ तो मैंने कभी पंजाबी गाना नहीं किया था, तो इट वॉज हाई टाइम कि मैं खुद पंजाबी होकर एक पंजाबी गाना करूँ.
How do you manage, you know, you're though you started working, you started shooting, you're going abroad, you're going out of city, out of Mumbai city. How do you manage your family and your work? So I think everything is, you know, we make sure my husband and me ki whenever we are traveling, one person is at home and agar dusra person travel kar raha hai to ek ghar mein, because my son is there. To abhi to lockdown chal raha tha, to you know, we have just started working abhi September se. So we make sure that one of us is definitely at home as a parent. Yeah. Ek aakhri sawal, kyunki aapne lockdown ki baat ki, jaise hi matlab abhi halaki abhi bhi kuch रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन शूटिंग की जैसे ही परमिशन मिली हमने देखा कि आप शूटिंग शुरू कर दिया. तो ये लॉकडाउन कैसा बीता आपके लिए, एंड ऐसी कोई चीजें जो लॉकडाउन के दौरान आपने नई सीखी, न्यू एक्टिविटीज आपने किया लॉकडाउन के दौरान, 8 months 6 जो भी था? मैं क्रिकेट खेल रही थी काफ़ी टाइम, तो क्रिकेट खेलना थोड़ा बहुत सीख रही थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग. बट अदरवाइज लॉकडाउन के ड्यूरिंग, आई थिंक लॉकडाउन वी स्पेंड टाइम एट होम विद आर फैमिली. सो आई वॉज इन जून में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो थैंकफुली लॉकडाउन अभी ख़त्म होने वाला है. एंड बट आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि हमने ये टाइम जो है इतनी हंसी इतनी खुशी खुशी अपने घर में बिताया, बिकॉज मैंने सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दुखी थे रिलेशनशिप्स में, यू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद समझे कि हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और एक दूसरे को प्यार दें. लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ह्यूमन बीइंग्स. सो या, चलिए जाते आते अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के म्यूजिक वीडियो एंड याद किया आने की लगी टू. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप सब मुझे हमेशा इतना प्यार देते हैं एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरा मेरे काम के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, और आप बहुत मुझे प्यार देते हैं. सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर इट, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जो बहुत ही आपको पसंद आए, बहुत ही अच्छे लेवल का हो, कुछ भी सिर्फ करने के लिए ना करूँ या क्वान्टिटी के लिए ना करूँ. एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे इतने गाने आप सबको इतने पसंद आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.